नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस मॉर्निंग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। शिवगढ़ मंथन में निकालेंगे विकास का अमृत। पहले दिन 11 घंटे से ज्यादा कैबिनेट चली है सरकार की, अति महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा हुई है। आज निवेश बढ़ाने, उद्योग नीति पर चर्चा होगी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। शिव के गढ़ मंथन में विकास का अमृत निकालेंगे। पहले दिन 11 घंटे से ज्यादा कैबिनेट चली है सरकार की, अति महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा हुई है। कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है। तो आज शिवराज सरकार के मंथन का दूसरा दिन है। पचमणी में जो चिंतन शिविर चल रहा है, चिंतन शिविर का आज दूसरा और आखिरी दिन। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आज चिंतन शिविर का दूसरा और आखिरी दिन है। कल की अगर बात की जाए, कल पहला दिन था, कल की बैठक के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आया, और अगर आज की बात करें तो आज किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? पूनम जी, हमने पहले भी बताया था कि जो मंत्री समूह बनाए गए थे 15, उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होना, और जो मुख्यमंत्री की जो फ्लेक्सी की योजना है, जो कि इनको लग रहा है कि जो हमको ज्यादा से मात्रा में वोट दिला सकती है, उनको और कैसे बेहतर किया जाए। जैसे मुख्यमंत्री प्रिय दर्शन योजना की बात थी, तो बीजेपी ने साफ कर दिया है सरकार ने, अब मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ अप्रैल महीने में ट्रेन से काशी विश्वनाथ और कबीर चौबारा की यात्रा करेंगे यात्रियों के साथ। तो एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि धार्मिक एजेंडा भी सरकार आगे बढ़ाएगी, इसके साथ ही जो वोटर है उनको लुभाने का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें मंत्रियों ने अलग अलग सुझाव दिए। एक सुझाव ये भी आया कि जो बाकी योजना है, जैसे मुख्यमंत्री जो आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, जिनमें टाइल्स पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की फोटो लगाई जाती है, ऐसे सुझाव आया है कि लाडली लक्ष्मी योजनाओं के सर्टिफिकेट पर, राशन कार्ड पर भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को फोटो लगाए जाए और उनको घर घर तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही राशन की दुकानों पर गैस के सिलेंडर, तेल, दाल के पैकेट देने की बात आई है। एक सुझाव ये आया कि राशन की दुकान एक ही व्यक्ति को दी जाए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए जो प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें कई सारे सुझाव आए, और जिनमें कहा गया कि जो खरीदी है वो एक ही जगह से की जाए ताकि पारदर्शिता रहे। इसके साथ ही प्रमाण पत्र दिए जाए, और जो सामान अभी तक जो लाडली लक्ष्मी, जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सामान दिया जाता था दहेज के तौर पर, उस सामान की मात्रा बढ़ाई जाए। आज भी कई सारे मुद्दों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होना है। कल 11 घंटे लगातार कैबिनेट के जो बैठ के चली थी, सारे मंत्रियों को कहा गया था कि उनको किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, और चंपक झील के किनारे पीछे की तरफ जहाँ कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। तो दो दिन के अंदर आज दूसरे दिन भी दिन भर विकास का रोड मैप बनेगा, और कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक को बढ़ाया जाए, क्योंकि पहले ही संगठन की ओर से कह चुके हैं कि बीजेपी का जो वोट बैंक है उसको 51% तक ले जाना। अभी 41% तक बीजेपी को मध्य प्रदेश में वोट मिलता है, तो जाहिर सी बात है 51% अगर वोट आप अपना शेयर ले जाते हैं तो एक तरह से आप अजय हो जाते हैं। उस वोट बैंक को कैसे बढ़ाया जाए, फ्लेक्सिबल योजनाओं का लाभ लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचाया जाए, और उन योजनाओं के लाभ के साथ उनका वोट कैसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बीजेपी हासिल कर सके, इन सबको लेकर पूरी कवायद जारी है। जी मनोज जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे हासिल किए जा सके, कह सकते हैं मिशन 2023 के लिए भी शिवराज सरकार ने जो है कमर कस ली है, और इसी के लिए तमाम कवायद यहां पर की जा रही है। दो दिन का चिंतन शिविर है, तमाम योजनाओं को लेकर एक एक करके चर्चा हो रही है।